हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको आर्म होल की कटिंग करना बताएंगे। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें और हम सपोर्ट करें। सबसे पहले हम आपको तीरे के बारे में बताएंगे। कई बार ये होता है कि बहुत हेल्थी पर्सन होते हैं उनका तीरा कम भी होता है और ज़्यादा भी होता है, और बहुत पतले पर्सन होते हैं उनका तीरा कम भी होता है और बहुत ज़्यादा भी होता है। इसलिए हम आपको पहले तीरे बताते हैं कि कैसे लेना है। जैसे ये आपकी कुर्ती है, आपने इसको इस तरह से रखना है और यहां से आपने इस तरह से तीरा लेना है, इस लाइन से इस लाइन तक लेना है। देखिए, जैसे हमारा तीरा यहां पर 13 इंच है तो हम तीरा यहां पर 13 इंच रखेंगे। इस तरह से आपने तीरा रखना है। सबसे पहले देखिए, आपकी कमीज के दो पार्ट होते हैं, एक फ्रंट और बैक, दोनों एक समान रखनी है और उनको इस तरह से फोल्ड करना है। जैसे हमारा तीरा 13 इंच है तो हम उसका आधा लेंगे। आपका तीरा जैसे 14 इंच हो तो आप उसका आधा लेंगे। यहां से हम तीरा 13 इंच का आधा करेंगे, 6.5 इंच। और जितना आपका तीरा है आपने शोल्डर लेंथ उससे 1 इंच ज्यादा लेनी है। जैसे यहां पर 6.5 इंच है तो यहां पर हम शोल्डर लेंथ 7.5 इंच रखेंगे। ये आपने 1 इंच ही ज्यादा लेनी है, सभी में लेनी है। यहां से हम फिर 6.5 इंच ही रखेंगे और यहां से इसे मिलाएंगे हम। यहां से हम अपना चेस्ट का निशान लगाएंगे, जितनी आपकी है वहां तक लगाना है। जैसे यहां से हम 18 इंच ले लेते हैं। चेस्ट का निशान, शोल्डर लेंथ और तीरा, इसी सबसे आर्म होल बनता है। और यहां से हम 2 इंच या 1.5 इंच ज्यादा लेते हैं। जो आपने यहां से गुलाई पानी है वो 2.25 इंच की पानी है, ये हमेशा 2.25 इंच की ही पड़ेगी। ये गुलाई आपने कटिंग से शुरू करनी है, यहां से और इसको आपने इस तरह से मिलाना है। जो आगे की गुलाई है वो आपने 1.25 इंच की पानी है और इस गुलाई को आपने सिलाई के साथ मिलाना है और यहां तक मिलाना है। इसमें जो ये होगा, ये हमारा आर्म होल होगा। इस तरह से हमें पता चल सकता है कि हमारा आर्म होल कितना है। जैसे हमारा आर्म होल यहां से 8.5 इंच तैयार रहेगा। अब इसके हम आपको कटिंग करके बताते हैं। और ये हमारी फ्रंट की है। देखिए, हमने बैक और फ्रंट दोनों गुलाइयों का कटिंग कर ली है। इस तरह से आपका आर्म होल तैयार होगा। इसमें हमारा आर्म होल 8.5 इंच तैयार रहेगा। जो बाकी है वो हमारा सिलाई में आएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।